इंडिया जैसी पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, और उन्हीं कुछ रिमोटेस्ट प्लेस में से एक है स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट एरिया काजा। तो काजा जैसी रिमोटेस्ट प्लेस पे होम स्टे के ऑप्शंस ही आपको ज्यादा मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना एक एक्सपीरियंस, जिसमें कि हम आपको शेयर करेंगे काजा में बेस्ट होम स्टे। हम लेकर चल रहे हैं आपको एक ऐसी जगह जहां समय थम जाता है, हर नजर एक कहानी सुनाती है, पहाड़ों की गोद में छुपी एक दुनिया जिसमें बसती है अटूट शांति। तो आते हैं होम स्टे के मेन पॉइंट पे कि ये हमारा होम स्टे है, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आने के पहले आपको क्या क्या मेन इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे जो ये केयर टेकर हैं भैया, जो देखभाल करते हैं सारा कुछ होम स्टे से लेके फूड डिनर का, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वो ये रहेगा कि अगर जैसे कोई आप अगर वीडियो दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए, और हम लोग इसका कंप्लीट टूर भी आपके शेयर करेंगे। इसके आगे ही रूम का अंदर का नाइट का डे का वो सारा कुछ हम शेयर करेंगे, और इसका कंप्लीट फीडबैक। और ये बिल्कुल नॉन प्रमोशनल है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमें बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत रैंडम मिला था, इसलिए वी वांट कि अगर आप, बिकॉज ये काफी ही डिफिकल्ट लोकेशन है काजा, और आप जब ढूंढते हैं होटल्स तो हमें इतना इजिली मिलता नहीं है, और वो भी अच्छी, तो होम स्टे, तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम इनसे कुछ दो चार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एक मुझे लगता है अंडररेटेड होम स्टे है, जिसमें मतलब फैसिलिटी तो काफी है बट इसका मतलब रिव्यू और मतलब बहुत फेमस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसे मतलब लोगों के बीच पता होना चाहिए, प्राइस अकॉर्डिंग जो मेंटेन किया हुआ है इन्होंने, और जो अंदर डेकोरेशन है, लाइक अगर आप पार्टी करना चाहे तो लाइट डेकोरेशन म्यूजिक सब है। और ये क्योंकि रिवर फेसिंग के लिए बहुत हाई बजट, कोई काजा आके अगर पता कर ले मैप या फिर गूगल वो बुकिंग ऐप। तो अब डायरेक्टली बात करते हैं जो यहाँ के केयर टेकर है, इनका नाम है मिस्टर अभिषेक। तो हेलो भैया, सबसे पहले तो सबसे पहले ये रहेगा कि इसमें होम स्टे में कितने रूम्स हैं? भैया इसमें 4 रूम्स है और वॉशरूम सब मतलब अटैच है, सब में वॉशरूम अटैच है। ठीक है, ये अच्छी बात है। कॉमन रूम है भैया जहाँ मतलब आप सब बैठ सकते हैं। अच्छा, हॉल कम डाइनिंग एरिया जहाँ पे बातें कर सकते हैं, फूड वगैरह ले सकते हैं, जहाँ पे हम लंच नहीं डिनर किया था और ब्रेकफास्ट किया था। अच्छा, और इसका जो चार्ज रहता है, तो हमने क्योंकि जितने टूरिस्ट प्लेस होते हैं तो होटल या फिर होम स्टे का किसी का चार्ज कभी फिक्स नहीं होता है, वो तो सबको पता है, सीजन टू सीजन वेरी करता है। तो मतलब वैसे क्या रेंज करता है? या वैसे इसका पर पर्सन के हिसाब से रहता है। अच्छा, पर पर्सन, ठीक है, विद फूड ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूड रहता है इसमें। अच्छा, जब भी कोई अगर आपके पास आता है या फिर कॉल करता है तो जो आप प्राइस बताते हैं उसमें पहला स्टे, सेकंड डिनर और थर्ड ब्रेकफास्ट, ये इंक्लूड रहता है जो भी प्राइस रहा, पर पर्सन, पर रूम नहीं, पर पर्सन। ठीक है, और रूम में क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाएंगी, बेसिक एमिनिटीज क्या क्या मिल जाएगा? या गीजर और हॉट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैट्रेस लगे हुए दो। अच्छा हाँ, जो रूम मैंने दिखाए थे, एक तो क्वीन साइज बेड है और दो छोटे छोटे बेड हैं, वो किस लिए हैं? वो भैया जो एक्स्ट्रा पर्सन आते हैं उनके लिए। अच्छा, ये अच्छी बात है। उसका फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं लेते आप, मतलब जो एक्स्ट्रा बेडिंग है वो इंक्लूडेड है, जो प्राइस आप बताएंगे उसी में? नहीं, क्योंकि प्राइस तो पर पर्सन है, तो आप एक रूम में 10 भी लगा दो। अच्छा अच्छा, तो जैसे छोटे बच्चे आते हैं उनका भी रहता है अलग से चार्ज, या फिर एक एज लिमिट तक रहता है? 7 साल से बड़े हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन कि अगर आप होम स्टे में आते हैं तो ये यहाँ के नहीं, ये मतलब पूरे काजा का ही है कि 7 ईयर्स से ज्यादा अगर बड़े कोई बच्चे हैं तो वो एडल्ट में काउंट आएंगे स्टे के लिए, तो उनका फिर पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो स्टे का रहेगा। हाँ, और एक रूम में मैंने देखा एक हीटिंग सिस्टम तंदूर है, वो किस लिए रखा है? ये सर्दियों के लिए। अच्छा, विंटर, हाँ विंटर्स के लिए तंदूर रखा है, और इसमें लकड़ियाँ जलाते हैं। अच्छा अच्छा, तो पूरा मतलब कमरा गर्म हो जाएगा इससे। वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ। और विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर कितना जाता होगा? लगभग -30। -30, फिर तो ये पूरा ढक जाता है भैया, ये नीचे जो रिवर दिख रहा है। हाँ हाँ, ये भी पूरा स्नो से ढक जाएगा ये पूरा। हाँ जी, ये पानी भी नहीं दिखेगा आपको इस साइड। यार देखना होगा। वाह, और ये सामने भी आया, ये तो पूरा एकदम व्हाइट हो जाता होगा ना, क्या ऑसम व्यू आता होगा। सुन रहे हो आप, यहाँ स्की होती है, झंडे दिखाए, या यहाँ पे स्की होते हैं। ओके, मतलब टॉप पे ले जाके फिर स्कीइंग करते हैं? स्की होता है।
में। वाओ, फिर तो ये तो आपकी बहुत अच्छी लोकेशन पे है, यहाँ पे स्टे करो और सामने जाके स्कीइंग और रिवर का मजा, और यही पीछे साइड ये आइस स्केटिंग ऊपर साइड पे ग्राउंड के साथ। अच्छा, इसके पीछे? हाँ जी, आइस स्केटिंग का। वाओ, फिर तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, मतलब सारे इसी एरिया में। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत थैंक यू भैया आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि आने के पहले ना मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, और ट्रूली मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि रूम जो है इतना ज़्यादा क्लीन होगा, हाइजीन होगा, प्रॉपर मेंटेन होगा। मुझे थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन आने के बाद ही पता चला। और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और यहाँ का लोकेशन है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? ऐसे ताकि ये जो हमारे व्यूअर्स होंगे ना जो यहाँ पे देख करना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह इशू क्या होता है कि कई होम स्टे में कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं होता है, तो उस पर फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा था, ये पार्किंग एरिया है, ठीक है, और ठीक ये इनका किचन एरिया है, बेसिन वगैरह, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्लीपर्स दे रखे हैं, क्योंकि पूरा अंदर मैट वैट बिछा हुआ है, तो आप स्लीपर पहन के नहीं आ सकते हैं, वो ठीक नहीं रहेगा, गंदी हो जाएगी। तो अब आपको दिखाते हैं, ये इनका हॉल कम डाइनिंग एरिया है। आप देखिए कितने मतलब कलरफुल मैट्स और कितनी सफाई, ऑसम है, ऑसम। जैसा एक्सपेक्ट किया था उसे काफ़ी ज़्यादा साफ। तो हमने यहाँ पे अभी डिनर किया, ब्रेकफास्ट भी यहाँ होगा। आप ये मतलब हॉल भी है, आप बैठ के आराम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं अपने को ट्रैवलर के साथ, और यहाँ पे आप डिनर करें। यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है, बाकी कर्टेंस वगैरह हैं, जब प्राइवेसी चाहिए तो आप कर लें। और एक चीज़, आप ये डीजे लाइट देख रहे होंगे, म्यूजिक सिस्टम है, तो मतलब ऑसम है। हाँ, घर वाली फीलिंग, ये कहीं दिखती नहीं है। ये रूम्स है, उस तरफ रूम है, ये रूम्स है, हमारा ये रूम है सामने वाला। हॉल आपने देख लिया, डाइनिंग एरिया आपने देख लिया, बाहर का व्यू देख लिया, अब आपको रूम दिखाते हैं। तो ये यहाँ से एंट्री होगी, इसके ठीक सामने अपना बाथरूम है, बाथरूम काफी अच्छा है, ये आप देखिए, जो बेसिक एमिटीज चाहिए होता है वो सारा है। मतलब ऐसे आइसोलेटेड एरिया में भी इस तरह की रूम, वॉशरूम मिलना, ये हमारे कुछ क्लॉथ्स निकले भी हुए हैं, आप रूम पे फोकस करें। हाँ, और नहीं, एक एडवांटेज, जैसे होटल या फिर बाकी होम स्टे में क्या होता है कि बस एक बेड, ब्लैंकेट, वो रहा, लेकिन आपके साथ अगर फैमिली ज़्यादा है या फिर चिल्ड्रन वगैरह अगर हैं, तो एक ये भी एक छोटा सा बेड की तरह वर्क कर जाएगा, और साथ में ये दो छोटे छोटे बेड की तरह आपको दिया हुआ है, साथ में पिलो है, ब्लैंकेट है, और ये एक मेन बेड है जो कि क्वीन साइज का है, और पावर सॉकेट के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस है, जैसा कि मैंने गूगल मैप पे इमेज इनका डाला हुआ है, तो मुझे लगा था कि बेसिक सा होगा, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बट वो सामने आके देखने पे लगता है कि नहीं, वर्थ है। और इसका चार्ज मतलब अनबिलीवेबल है, 1000 पर पर्सन पर नाइट, जिसमें स्टे, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐप, मेक माई ट्रिप, गो आइबो, बुकिंग डॉट कॉम और गूगल मैप पे जो रजिस्टर है, तो हमने डायरेक्टली कॉल करके पता किया था, तो रूम स्टे प्लस मील में लाइक डिनर एंड ब्रेकफास्ट में 1500-1800 से कम में था नहीं, वो भी बहुत बेसिक सा रूम, जिसके रिव्यूज बहुत नेगेटिव वगैरह थे, और इसके रिव्यूज सही हैं, तो इसलिए ये मेन एक शॉकिंग बात है। नहीं, क्योंकि मुझे भी लगा था कि नॉर्मल सा होगा, बहुत मतलब कुछ डिसअपॉइंटिंग होगा, कुछ ठीक लगेगा, उन्होंने सजेस्ट किया था, काफी अच्छे पर्सन है वो। और एक चीज, अगर यहाँ पे ठंड कभी बहुत अगर ज्यादा होती है लाइक विंटर्स में, ये आप सामने देख रहे हैं, ये रूम हीटर की तरह काम करेगा, यहाँ इसको लोकल में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन आप इसको हीटर ही रूम हीटर ही मान ले, यहाँ का होममेड रूम हीटर है। अच्छा,
अभी ठंडी सही है, टेम्परेचर हाँ, अभी हीटर की जरूरत नहीं है। अभी टेम्परेचर क्या है? अभी मैंने चेक किया था 2 डिग्री सेल्सियस है। तो वापस फिर चलते हैं हॉल कम डाइनिंग एरिया में, यहाँ का तो यहाँ को यहाँ का एम्बियंस इन्होंने बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत अच्छा एम्बियंस है, म्यूजिक सिस्टम है, लाइट है, और क्या चाहिए, खाओ पियो ऐश करो। रूम एंट्रेंस अटैच वॉशरूम स्लीपर डस्टबिन गीजर बेसिन मिरर बाथरूम नाउ रूम मेन क्वीन साइज बेडरूम 2 separate small beds फॉर चिल्ड्रन एंड अदर मेम्बर्स स्पेस फॉर डाइनिंग ऑल्सो अनदर स्पेस फॉर योर लगेज एंड फुल कारपेट विथ मैट फ्लोर एरिया एंड दिस इज फॉर योर व्यू 2 blankets फॉर मेन बेडरूम एंड सेपरेट ब्लैंकेट एंड पिलोज फॉर अदर बेड्स एंड ब्यूटिफुल रूफ डेकोरेशन हॉल कम डाइनिंग एरिया 2 buffers सिस्टम बॉक्स फॉर इंटरटेनमेंट एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया एंड दिस इज स्मॉल डीजे लाइट फॉर योर इंटरटेनमेंट और फॉर स्मॉल पार्टी लाइक एनिवर्सरी बर्थडे। हम आ गए हैं डिनर करने जहाँ हम अभी होम स्टे में हैं। तो जैसा कि आप हमने आपको वीडियो में दिखाया था कितना अच्छा एम्बियंस है हॉल कम डाइनिंग एरिया उसमें। तो खाते हैं क्योंकि टेम्परेचर अभी है -5 तो निकालते ठंडा हो जाएगा। ओके रात का टाइम, जैसा कि हमारे ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम आए हैं काजा खास काजा की, और यहाँ पे अब नदी का साउंड आ रहा है जो स्पीति रिवर है। तो हमने जो होम स्टे लिया है वो तो ठीक रिवर के ठीक किनारे पे है। ये देख रहे हैं ये चेयर लगी हुई, ये एज है, इसके ठीक नीचे क्लिफ है और रिवर है। मैं आपको बैग दिखाता हूँ। और यहाँ बहुत ज्यादा रात हो जाती है, ये वे भी हम ये लास्ट एज है गैलेक्सी, नीचे क्लिफ है, ज्यादा आगे तो नहीं जा पाएंगे। नदी का साउंड आ रहा है, नदी का साउंड है, कितना खूबसूरत नजारा है। ट्राई करते हैं, हम देखेंगे रात को मिल्की वे और... यहाँ से दिखता है बट वो अगर क्लियर स्काई हो तो। और हाँ, हम बात कर रहे हैं होम स्टे की, और होम स्टे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में काजा में ही, आप मेन काजा के मार्केट से 1 kilometer के आसपास था ना। तो भैया भी इतने अच्छे हैं कि हमें पिक करने के लिए उन्होंने व्हीकल भी अपनी दी। पार्किंग का तो पार्किंग तो मतलब वहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और अभी हो रहे हैं गुड नाइट का टाइम, तो बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।